कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा को मेडल जीतने पर बधाई दी। कैबिनेट मंत्री ने मिठाई खिलाकर खुशी जताई। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बजरंग पूनिया ने जहां कांस्य पदक जीता, तो वहीं नीरज चोपड़ा ने ज्वेल थ्रो में गोल्ड दिलाकर देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। सरकार ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया। साथ ही क्लास 1 नौकरी और प्लॉट दिया जाएगा। एक इंडोर स्टेडियम भी खोला जाएगा। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में खुशी की लहर है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो में लठ गाड़ दिया, जम ही कमाल कर दिया। नीरज चोपड़ा के इस हौसले और जज्बे से हरियाणा के और बच्चे भी कुश्ती के अलावा दूसरे खेलों में रुचि दिखाएंगे। हमारी सरकार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनको हर सुविधा दे रही है और उनका पूरा मान सम्मान कर रही है। यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। की झोली में एक ब्रोंज और एक गोल्ड आया, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है। नीरज चोपड़ा जी को गोल्ड मेडल जीतने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर से उन्हें हरियाणा प्रदेश का और पूरे देश का जो गौरव बढ़ाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ ही बजरंग पूनिया जी ने जो कांस्य पदक जीता, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर से पूरे हरियाणा को, पूरे देश को उन पर गर्व है कि उन्होंने बहुत अच्छा देश के लिए करके दिखाया। और अब जो ड्यूटी है वो हमारी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। तो निश्चित तौर से सरकार नीरज चोपड़ा जी को जो घोषणा हमने की है 6 करोड़ रुपये की, वो 6 करोड़ रुपये भी देंगे और उसके साथ साथ और भी जो सुविधाएँ हैं वो सारी सुविधाएँ हम उनको भी देंगे। बजरंग पूनिया जी ने सुबह जब कांस्य पदक जीता तो माननीय मुख्यमंत्री ने उसी समय 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा जो उन्होंने पहले ही कर रखी उसके लिए भी, और एक प्लाट देने के बारे में बात थी, और उनके गांव में एक इंडोर स्टेडियम जो सभी सुविधाओं से लैस होगा उसकी बात भी माननीय मुख्यमंत्री ने कही थी। तो वो सारी सुविधाएँ हम देंगे और निश्चित तौर से मुझे पूरा यकीन है इन नौजवानों को देख के हमारे जो बच्चे हैं वो उनसे प्रेरणा लेंगे और आने वाले टाइम में और इसी प्रकार के जो नाम है वो देश का नाम ऊंचा करने, निश्चित तौर से इनसे प्रेरणा लेकर देश का नाम ऊंचा करेंगे। सर ज्वेल, हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बेहद खुशी है। और मैं समझता हूँ कि केवल एक ही जहाँ हम कुश्ती में हमारा बहुत अच्छा है और दूसरे कुछ गेम थे जहाँ हमारा अच्छा था, तो अब दूसरे बहुत से गेम ऐसे हैं जहाँ और भी अच्छा होना चाहिए। तो इससे और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि दूसरे और खेल हैं उनकी तरफ भी हमारे खिलाड़ी बढ़ेंगे और उसमें निश्चित तौर से अच्छे परिणाम लेके आएंगे, अच्छे इनाम जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या कुछ आप एक संदेश देना चाहेंगे? भाई देखो, हमारे दोनों छोरों ने लठ गाड़ दिया, जमी कमाल करके दिखा दिया।